हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं समर स्पेशल चॉकलेट डेजर्ट। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में ये चॉकलेट डेजर्ट बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। समर स्पेशल इजी और क्विक रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सुपर टेस्टी चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी। और इस चॉकलेट डेजर्ट के लिए सबसे पहले हम कॉफ़ी कस्टर्ड बनाएंगे। तो कॉफ़ी कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप में ये नेस्कैफे की 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली है मैंने। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून पानी और कॉफ़ी को पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लेते हैं। हम यहाँ पर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1 से 2 चम्मच मिल्क। ध्यान रखिए ये जो मिल्क ले रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पर हो, नहीं तो इस कॉर्नफ्लोर में लम्ब्स पड़ सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रखा है, इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी डालेंगे और अब जो कॉफ़ी हमने डाइल्यूट करके रखी है वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो पर रखेंगे अभी। और ये जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा है इसे भी हम ऐड कर देते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए दूध को थिक होने तक बॉयल करेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है वरना जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे चिपक सकता है। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं हमें इसे बॉईल करते हुए और ये देखिए दूध काफ़ी थिक हो चुका है। तो तैयार है ये कॉफ़ी कस्टर्ड। पैन को हमने गैस पर से उतार लिया है और गरम गरम कस्टर्ड में हम यहाँ पर ये चॉकलेट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 50 ग्राम की डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है, आप कोई भी मिल्क चॉकलेट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो चॉकलेट है इसके 2 पीस मैंने रखे हैं, बाकी सारी चॉकलेट मैंने इस कस्टर्ड में ऐड कर दी है। अब हम चॉकलेट को मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो कस्टर्ड है ये गर्म है और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो जाए इतना हमें इसे चलाना है। ये कस्टर्ड अभी गर्म है तो ये चॉकलेट है जो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हमें इस कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। और इसे ठंडा करने के लिए आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं 30 मिनट के लिए, और नहीं तो इसे ऐसे ही चलाते हुए ठंडा कर सकते हैं। मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक मिक्सर ग्राइंडर में 8 से 10 ओरियो बिस्किट लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इनका कलर थोड़ा डार्क है तो मैंने ओरियो बिस्किट ही लिए हैं। इन बिस्किट को हमने मिक्सर ग्राइंडर में कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें थोड़े से चंक्स हैं बिस्किट के। आप चाहें तो एकदम फाइन पाउडर भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। जो चॉकलेट कस्टर्ड हमने बना कर रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। 30 से 45 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाला है और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। ये देखिए इतना थिक आपका चॉकलेट कस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो जब आप इसे असेंबल करेंगे ना तो वो एकदम फैल जाएगा। तो अब हम चॉकलेट डेजर्ट को सेट करेंगे। यहाँ पर हमने एक स्मॉल ग्लास लिया है, इसमें सबसे पहले हम बिस्किट की लेयर डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये बिस्किट की लेयर डालेंगे। अब हम इसके ऊपर जो कस्टर्ड हमने तैयार किया है वो डाल देते हैं। तो एकदम बीचों बीच हम इस तरीके से कस्टर्ड डाल देते हैं जिससे कि एक लेयर बनेगी बिस्किट और कस्टर्ड की। अब हम फिर से इसके ऊपर बिस्किट की लेयर डालेंगे और लास्ट में हम ये कस्टर्ड की लेयर डाल देते हैं। तो ये ग्लास फिल हो चुका है, आप चाहें तो इसे बाउल में भी सेट कर सकते हैं। आप इस कस्टर्ड में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे गार्निश कर रही हूँ चॉकलेट के साथ। और सेम प्रोसेस से हम बाउल में भी इस चॉकलेट डेजर्ट को सेट कर लेते हैं। तो इस चॉकलेट डेजर्ट को सेट करने के लिए जो कस्टर्ड है वो थिक होना चाहिए। अगर कस्टर्ड थिक नहीं हुआ तो वो ग्लास में फैल जाएगा और चॉकलेट और बिस्किट की अलग अलग लेयर्स नहीं दिखेगी। तो ये इजी और क्विक चॉकलेट डेजर्ट बन करके रेडी है। अब हम इसे 2 या 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब ये एकदम चिल हो जाएगा तब ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये फ्रिज में जाने के लिए तैयार है, इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये जो कस्टर्ड है एकदम सेट हो चुका है और ये लेयर्स एकदम क्लियर दिख रही हैं। और ये कितना टेस्टी है ये तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारी समर स्पेशल चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी? एक क्विक चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।